कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं पोहा की रेसिपी शेयर करूँगी और आप लोग इस तरह से पोहा बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और चटपटा बनेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर ले लेंगे पोहा, और गांव में इसको लोग चूड़ा बोलते हैं और बहुत जने इसको लोग पोहा बोलते हैं। तो इसको लेने के बाद इसको अच्छी तरह से धो लेना है, तो ऐसे पानी डाल देना है। और इसको धुल के छान लेना है। इसको दो पानी ऐसे धुलना है। देखिए पोहे को दो बार अच्छे से धुल चुकी हूँ, और धुलने के बाद देखिए इसमें डाल देना है चीनी, शक्कर। शक्कर ऐसे एक चम्मच डाल देना है, एक चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा। और इसमें डालना है हल्दी पाउडर, और फिर नमक अपने स्वाद के अनुसार इसमें डाल देना है। उसके बाद डाल देना है नींबू। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, पूरा अच्छे से इसको मिला लेना है। देखिए सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट तक ऐसे ढक के रख देना है कि सारी चीज़ें एकदम अच्छे से इसमें मिल जाए। तो ऐसे रख देंगे, देखिए पोहे को उधर सेट होने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर तब तक सब्जियाँ तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैं कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ और तेल तब तक गर्म हो रहा है। और देखिए यहाँ पर ली हूँ ये प्याज है, मतलब तीन प्याज है और दो टमाटर है, हरी मिर्च है। हरी मिर्च मतलब अपने स्वाद के अनुसार लेना है कि कितना, मतलब कोई तीखा खाता है। और देखिए यहाँ पर ली हूँ ये मूँगफली का दाना है। तो तेल मेरा गर्म हो चुका है और इसमें अब डाल देंगे इसको, भून लेना है। अब देखिए इसको ऐसे भूनने के बाद इसको निकाल देना है। देखिए मूँगफली भूनने के बाद उसके बाद इसी तेल में, तेल इतना जो बच गया है इसी तेल में डालेंगे कढ़ी पत्ता, और कढ़ी पत्ता डालने के बाद फिर इसमें डाल देना है प्याज, कटी हुई प्याज। और देखिए इसको डालने के बाद इसको अच्छे से भूनना है। और देखिए एकदम, मतलब पूरा नहीं भूनना है कि एकदम इसको सुनहरा कर देना है, इस तरह से ऐसे पका ही रहना चाहिए प्याज। और फिर इसमें डाल देना है टमाटर, और इसमें डालेंगे हरी मिर्च, देखिए हरी मिर्च को भी मैं डाल दी हूँ। और इन सबको डालने के बाद थोड़ा सा इसको ऐसे भून देना है, एकदम इसको जैसे गलाना नहीं है टमाटर को, मतलब एकदम मिक्स नहीं करना है इसको, थोड़ा ऐसे पता ही भूनना है। और देखिए इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है, जो ये सब्जियां हैं इसमें के लिए। और पोहे में तो मैं पहले से ही डाल दी हूँ, तो इसमें थोड़ा सा ही डालना है। और देखिए अब डाल देना है इसमें पोहे,
पनीर निकाल देंगे। और देखिए कितना ही भर भरा हुआ था, और इसको इस तरह से ऐसे खोलना है। और इसमें अब डालेंगे मूंगफली के दाने जो भून कर रखा गया था। और दो तीन मिनट तक इसको ऐसे इसी तरह से भूनते रहना है। इसी तरह से ऐसे चलाते हुए 2 मिनट तक इसको ऐसे पका लेना है। देखिए इसका कलर कितना ही अच्छा आया है। हल्दी ऐसे पहले ही डाल देने से मतलब बहुत ही अच्छे से मिक्स भी हो जाता है। और देखिए भूनने पर इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है, तो बहुत ही टेस्टी होता है। और इस तरह से आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको आप जैसे बच्चों को नाश्ता भी दे सकती हैं, टिफिन में भी दे सकती हैं। बहुत से बच्चे इसको बहुत ही पसंद करते हैं। तो पोहा मेरा तैयार हो चुका है, अब गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। तो गर्मा गर्म पोहे निकालिए। तो देखिए पोहे मेरे तैयार हो चुके हैं, तो आप लोग भी आके इसको खा लीजिए। तो आप लोग भी खाइए, अपने फैमिली मेंबर्स को भी खिलाइए। तो नेक्स्ट वीडियो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।